हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है फ्रेंड्स, अब हम इसमें आधा लीटर पानी डालेंगे और एक टीस्पून हमने चीनी डाली है। और अब हम पालक को अच्छे से वॉश करके अब वो ऐड कर देंगे हम, और 2 से 3 मिनट तक हम इसे बॉईल होने देंगे। अब हमने एक बाउल में पानी लिया है ठंडा, अब हम इसमें पालक को निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी पालक ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए हम ठंडे पानी में निकालेंगे। और एक हमने मिक्सी का जार लिया है, अब हम हमारे पालक डाल देंगे। अब हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है फ्रेंड्स, और 2 हरी मिर्चें डाली है। तो फ्रेंड्स, हमने 2 टमाटर लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं, और थोड़े से लहसुन, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। तो अब हम एक मिक्सी का जार लेके हमें प्यूरी कर लेना है। तो देखिए, हमारी प्यूरी बन गई है, हमारे पालक की भी प्यूरी बना ली है हमने। और हमने 300 ग्राम पनीर लिया है फ्रेंड्स, और छोटे छोटे क्यूब में उसे कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और 2 चम्मच हमने उसमें ऑयल डाला है, और 2 तेज़पत्ता, और 1 चम्मच भर के हमने जीरा ऐड किया है। और जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब हम प्यूरी को ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम प्यूरी को अच्छे से पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसमें मसाले भी ऐड कर सकते हो, खड़े मसाले मैंने नहीं ऐड किया है, मैंने सिंपल सी पालक पनीर बनाई है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया है, और थोड़ा सा हमने पनीर मसाला ऐड किया है फ्रेंड्स, और थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ऐड की है। अब हम प्यूरी को, हमारे मसाले को और प्यूरी को पकने देंगे अच्छे से। और 1 चम्मच भर के हमने नमक डाला है। अब हम पालक प्यूरी डाल देंगे। अब हमें मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हम 2 चम्मच फ्रेश मलाई डालेंगे। अब हम पनीर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब हम इसे ढककर पकाएंगे फ्रेंड्स 5 मिनट के लिए। तो देखिए, हमारी पालक पनीर की रेसिपी तैयार है फ्रेंड्स, और खाने में भी बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, सिंपल सी बनाई है मैंने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं फ्रेंड्स।